खबर रीवा जिले से है, जहां कलेक्टर मनोज पुष्प ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर 10 अधिकारियों को 2-2 वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का नोटिस दिया है। इन अधिकारियों द्वारा नवंबर माह में सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों में 40% से कम निराकरण करने तथा पिछले 6 माह से लगातार कम प्रकरण निराकृत करने पर वेतन वृद्धि रोकने का नोटिस दिया गया है। नोटिस मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों के तहत दिया गया है। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने के कारण जिले की रैंकिंग में गिरावट आई है। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में अप्रत्याशित वृद्धि विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही का प्रतीक है। नोटिस का 3 दिन की समय सीमा में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में जारी अलग अलग आदेशों के अनुसार शैलेन्द्र दुबे अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यालय रीवा, डीएस परिहार, जिला संयोजक जनजातीय कार्यक्रम विभाग चंद्रमणि सोनी, तहसीलदार जवा अंशुल कड़ौरिया, सहायक प्रबंधक सड़क विकास निगम तथा एसडी कोल बीएमओ रीवा को नोटिस दिया गया है। इसी तरह अरुण कुमार तिवारी, सहायक यंत्री पीएचई संजय गुप्ता, कनिष्ठ अभियंता कटरा प्रकाश गौतम, कनिष्ठ अभियंता गोविंदगढ़ बाबूलाल साकेत, सहायक कुल सचिव अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय तथा प्रदीप दुबे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रायपुर करछुलियान को नोटिस दिया गया है।